हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपको बहुत हेल्प होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ऊपर आपको बताऊंगी। ये वीडियो जैसे स्टूडेंट्स है, टीचर्स है और जो वर्किंग एम्प्लॉयज है उनके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि जैसे स्टूडेंट्स है अगर उनको कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है, टीचर्स उनको कोई प्रोजेक्ट देते हैं कि उसको प्रेजेंटेशन में क्रिएट करना है तो उनको चाहिए होता है विजुअल सिस्टम, बट आप अपने मोबाइल के थ्रू भी बहुत ही इजी वे में आप इस प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी के पास आजकल एंड्रॉयड मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल हो गया या फिर आईओएस मोबाइल हो गया, आप किसी में भी वर्क कर सकते हैं। ये मैं एंड्रॉयड मोबाइल में आपको बता रही हूँ। जैसे भी आप प्रेजेंटेशन में कोई भी नेट वगैरह से भी इन्फॉर्मेशन सर्च करके आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि मोबाइल में नेट तो अवेलेबल होता ही है और इसमें आप किस तरीके से बहुत ही इजी वे में आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। टीचर्स जो है, टीचर्स क्या करते हैं, जैसे उनको कुछ टॉपिक्स वगैरह स्टूडेंट्स को ऑनलाइन स्टडी के लिए पढ़ाना होता है तो इसे प्रेजेंटेशन बना के उसको स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट को आप इसको व्यू करा सकते हैं या फिर उनको उनके जो भी ड्राइव्स या व्हाट्सएप वगैरह है उस पर शेयर कर सकते हैं। और एम्प्लॉयज का क्या है, जैसे कि लाइक कोई भी प्रोडक्ट का सेल वगैरह या अपनी कंपनी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी को एक्सप्लेन करनी है तो पॉइंट टू पॉइंट हो सकता है, कुछ पॉइंट्स मिस भी हो जाए बताने में, तो इसमें एक एक पॉइंट आप अच्छे से एक्सप्लेन करके उसको पीपीटी, पीडीएफ या किसी भी एज ए वीडियो फॉर्मेट में भी इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। जो इसमें ऑप्शंस है काफ़ी अच्छे हैं, आप इसको बहुत हेल्पफुल होगा ये, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिले। कुछ क्या करते हैं कि स्टार्टिंग का बस देखा, उसमें क्या होता है कि फुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, आप स्टार्टिंग टू एंड फुल वीडियो देखेंगे तभी आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये हमारी मोबाइल स्क्रीन है, आज हम आपको पावर पॉइंट के बारे में बताएंगे। पावर पॉइंट मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड नहीं है तो आप प्ले स्टोर में जाकर यहाँ पर आप पावर पॉइंट लिखेंगे, जैसे मैंने पावर पॉइंट सर्च किया तो ये इस टाइप से पावर पॉइंट आएगा और आप यहाँ से डायरेक्ट ओपन भी कर सकते हैं। इसमें हम अपना पावर पॉइंट यहाँ से ओपन करते हैं ऐप्स के थ्रू, जब हम इसको ओपन करते हैं तो ये इस टाइप से शो करता है, बनी हुई प्रेजेंटेशन यहाँ पर शो करेगा, और अगर आप चाहते हैं कि अपने लॉगिन से करना तो इस टाइप से आपका लोगो शो कर जाता है कि आपका लॉगिन है, अदरवाइज विदाउट लॉगिन भी आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। जैसे पहले भी सॉफ्टवेयर से बताया था, मोबाइल में यहाँ पर इस टाइप से प्लस होता है, वर्ड एक्सेल में भी ऐसे होता है, तो यहाँ पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर इस टाइप से शो करता है, ये ऑप्शन दिखाता है आपका जितना भी डेटा है कहाँ सेव होगा, आपके सिस्टम में सेव, आपके मोबाइल में सेव होगा या फिर आपके ड्राइव वगैरह में सेव, ड्राइव में आपकी मेल आईडी वगैरह पूछता है और उससे जिसे आप लॉगिन करते हैं। ये आपका ब्लैंक प्रेजेंटेशन है और ये बाकी जितने हैं टेम्पलेट्स, आपके बने बने डिज़ाइंस होते हैं, इन्हीं डिज़ाइंस के बेस पर आप इनको क्रिएट कर सकते हो, जो भी आपको डिज़ाइन बेस्ट लगता है कि आपके जिस जो भी आपकी थीम है उसके अकॉर्डिंगली जो भी आप चाहते हैं उसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे हम कोई भी चूज़ कर लेते हैं इसमें से, हम ले लेते हैं, हम ये वाला चूज़ कर लेते हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये बता रहा है कि आपका प्लेस होल्डर नेम क्या है, तो यहाँ पे तो शो कर रहा है, आपको कुछ हिंट्स भी देता रहता है, यहाँ पे आपका प्रेजेंटेशन टू के नाम से बन गया है, ओके किया, यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं यहाँ प्लस होता है, ये जो है मोबाइल में टच के थ्रू कर सकते हैं, मैं भी माउस यूज़ करके कर रही हूँ, और जो भी जिस पर भी क्लिक करते हो उससे रिलेटेड आपके ऑप्शन शो कर देता है। अब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए और भी बहुत सारे ऑप्शन शो कर देता है। हम यहाँ पर फर्स्ट वाले पे जैसे क्लिक करते हैं, लाइक जिस भी टॉपिक पर बनाना है आपको, अपने किसी भी प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन वगैरह के ऊपर करना है या फिर जो स्कूल के प्रोजेक्ट्स वगैरह है उससे रिलेटेड, तो आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे हम करते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के ऊपर, मैं भी कीबोर्ड यूज़ कर रही हूँ, ब्लूटूथ कीबोर्ड कॉर्डलेस, इसमें मेरा एक ही ब्लूटूथ से दोनों माउस और कीबोर्ड दोनों कनेक्टेड है। अब ये वाला ऑप्शन आपको चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ऐसे डिलीट करके सिर्फ सिंगल इसको कर सकते हैं। अब इसको भी आपके पास ऑप्शन होता है इसको मूव करने का, इसमें इस टाइप से जहाँ भी आपको ये रखना है तो इस टाइप से इसको मूव कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे ब्लैंक एरिया है, चाहे तो आप इसमें यहाँ से इमेज सर्च कर सकते हैं, इमेज जो सर्च होगी आपके ड्राइव से या जिस भी अकॉर्डिंगली आप चाहते हैं, यहाँ से आपकी जो भी क्लिक की हुई है मोबाइल में वो इमेज शो कर देगा, फाइल्स वगैरह से कर सकते हैं, अदरवाइज आप चाहते हैं कि नेट से सर्च करके करें तो आप क्रोम ओपन कर लीजिए, क्रोम के अंदर आप जैसे भी चाहते हैं, जैसे लाइक हम एक ब्लैंक न्यू टैब ले लेते हैं, ये देखिए यहाँ पर हम सर्च कर लेंगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर,
मैंने इसे सर्च किया। नॉर्मली जैसे कंप्यूटर में वर्क करते हैं उस टाइप से भी इसमें ईजिली शो कर देता है। मुझे ओनली इमेजेस चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये इन्फॉर्मेशन भी हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अभी मैं इमेजेस लेती हूँ, यहाँ पे इमेजेस पे क्लिक किया, जो भी आपको इमेजेस चाहिए तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ से आप इमेजेस पिक कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट स्क्रीन पर मैं चाहती हूँ सिर्फ पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर या उससे रिलेटेड इमेजेस शो करते हैं। जैसे ये वाली इमेज हम चाहते हैं, इसमें देखते हैं राइट क्लिक करने का है ऑप्शन, कॉपी करके देखते हैं, वापस अपनी हम स्क्रीन पे जाते हैं। ये हमारी पावर पॉइंट वाली, ओके। अब यहाँ पे हम पेस्ट का ऑप्शन देखते हैं, देखिए बहुत इजी है, अच्छे से आपका ये कॉपी पेस्ट यूज़ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे, जैसे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में पहला हम चाहते हैं मॉनिटर, ठीक है। मॉनिटर का यहाँ पे चाहते हैं रिटर्न वर्क भी चाहिए और यहाँ इमेज भी चाहिए, तो इसमें कहीं ना कहीं आपका लेआउट होगा जो भी इसको थोड़ा सा डिफरेंटली शो कर देगा। चेक करते हैं, जहाँ भी क्लिकिंग करते हैं उससे रिलेटेड आपके ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। हाँ, ये फर्स्ट वाला हमें लग रहा है इस टाइप से, कैसा आपको लेआउट चाहिए, इस टाइप का चाहिए। ये देखिए आपका ये हो गया शो कर रहा नाम, यहाँ पे आप मैटर टाइप कर सकते हो और ये एरिया आपका इमेज के लिए हो गया, ठीक है। जब कंप्यूटर पर करते हैं तो हमारा ऑनलाइन डायरेक्टली इमेज सर्च कर जाता है, उसमें हमारा डायरेक्ट ब्राउज़र ओपन हो जाता है, यहाँ पर हमें ब्राउज़र में जाना पड़ता है। अभी इससे हम यहाँ से इसको क्रॉस करते हैं और अभी हम यहाँ पर मॉनिटर लिख देते हैं, मॉनिटर टाइपिंग इशू लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट टू राइट टाइपिंग क्यों शो कर रहा है, ये सेटिंग गड़बड़ हो गई है। हाँ आप ठीक कर रहे हैं, हो जाता है कभी कभी, इलेक्ट्रॉनिकल आइटम है ये, हम इसको पूरा कैच नहीं कर रहा है, एंट्री किया। ये देखिए मॉनिटर आपको जो भी आपको लगाना है उसके स्क्रीन के अकॉर्डिंगली चूज़ करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मॉनिटर आपका ये टीवी वगैरह का भी शो कर रहा है, आप चाहते तो कंप्यूटर मॉनिटर भी लिख सकते हैं। कंप्यूटर मॉनिटर, पहले मैंने मॉनिटर लिख दिया फिर कंप्यूटर लिख दिया, जैसे भी आपको चाहिए। ये कंप्यूटर मॉनिटर से रिलेटेड आ गया, राइट क्लिक किया, सेम इसको हम कॉपी करते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं कि आप उसको डाउनलोड करके यूज़ करना चाहते हैं। ये देखिए राइट क्लिक, ये देखिए डाउनलोड द इमेज, बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। वापस हम अपनी उसी स्क्रीन पर चलते हैं, यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देते हैं, देखिए पेस्ट हो गया। अब मुझे मैटर भी चाहिए इसके ऊपर, ये देखिए हम वापस चलते हैं इस पर, इससे रिलेटेड जो भी मैटर होगा, मैटर जो होगा मोस्टली विकीपीडिया पर अच्छा मिलता है, हम देखते हैं विकीपीडिया। इसमें ऑल में आएगा आपकी इन्फॉर्मेशन, इमेजेस, ये जो अलग अलग होते ऑप्शंस, जो भी आप यहाँ पर कीवर्ड डालते हैं उसी से रिलेटेड आपके ये अलग अलग टैब्स ओपन हो जाते हैं। ऑल पे क्लिक किया, ऑल पे जैसे क्लिक करेंगे ये देखिए फर्स्ट आपका अमेजन है, परचेजिंग के लिए बोल रहे हैं, और हम थोड़ा नीचे चलते हैं इसमें, ये कंप्यूटर मॉनिटर फ्लिपकार्ट पर आ गया, ये फ्लिपकार्ट हो गया, इससे रिलेटेड इमेजेस हैं। हमें जो है इन्फॉर्मेशन चाहिए लाइक कुछ इसमें है नहीं, तो हम क्या करते हैं फिर से डालते हैं सिंपल मॉनिटर डाल देते हैं, ये फिर से पिक करने लग गया लेफ्ट टू राइट, कर्सर इशू हो जाता है शायद, सर्च इट। इसमें हम चेक करते हैं, ये देखिए मॉनिटर, ये सब व्हाट इज़ मॉनिटर ऐसे सर्च करना पड़ेगा आई थिंक हमें। ये देखिए मॉनिटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक विजुअल कंप्यूटर डिस्प्ले, ये इंफॉर्मेशन हमें मिल गई है, यहाँ से हमने इसको कॉपी किया। इसमें राइट क्लिक वर्क नहीं कर रहा था, मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल सी यूज़ किया है, अभी यहाँ पर ला के कंट्रोल वी करते हैं, ठीक है। आपका मैटर पूरा पिक हो गया, अब इसके बाद होता है कि आप इसकी जो एडिटिंग करेंगे, जैसे अभी ब्लटिंग्स में इसको ऑफ कर देते तो ब्लटिंग्स हट गया, ठीक है। बाकी जैसे सेटिंग जो भी रखनी है आपकी इसकी टेक्स्ट की, इसमें हमें देखना पड़ेगा जैसे बोल्ड है अनबोल्ड जो भी करना है, कलर वगैरह चेंजेस करने हैं उसके अकॉर्डिंगली आप मैटर के अकॉर्डिंगली आप चेंजेस कर सकते हैं। कलर अगर बैकग्राउंड लाइट है तो कलर थोड़ा डार्क होना चाहिए, ठीक है। साइज़ वगैरह होगा इसमें ही हमें चेक कर लेते हैं, क्योंकि इस पे एरो पे देखते हैं बोल्ड, ये साइज़ आ गया इसमें आई थिंक, ये हम देखते हैं 32, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया,
वापस जाते हैं हम इसको थोड़ा सा 28 पे देखें। हाँ ये ठीक है थोड़ा सा। अब इसको हम थोड़ा सा इधर उधर सेट भी कर सकते हैं, इमेज को थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो आपका ये स्क्रीन है नॉर्मली प्रोजेक्टर वगैरह पे भी दिखता है और वैसे डिस्प्ले में देखते हैं, या फिर उसका ऐसे हम PDF बनाएं या फिर ऐसे वीडियो टाइप इसको कन्वर्ट करें, तो ये थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए ताकि वो दूर से ही रीडेबल हो। और चेक करते हैं इसमें हम और सेटिंग्स, इसमें हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे फॉन्ट फॉर्मेटिंग में जाकर, ये देखिए सुपर स्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट काफ़ी सारे ऑप्शन है इसमें, ये भी नहीं चाहिए। मैं थोड़ा सा इसमें अलाइनमेंट का ऑप्शन ढूंढ रही हूँ, ये इसको हम जस्टिफाई कर लेते हैं, ये सेंटर आ जाता है आपका, ये राइट आ गया एंड दिस विन अप बॉटम डाउन, ये जस्टिफाई आपका, ठीक है जस्टिफाई। और जस्टिफाई में भी ऑप्शन है लो फुल जितना भी है, ये बेस्ट लग रहा है। ऐसे ही आप बाकी स्लाइड्स बना सकते हैं, ये स्लाइड हो गई, इसको हम थोड़ा स्क्रीन को जूम इन कर देते हैं, ये ऐसे ऐड करके काफ़ी सारी स्लाइड्स आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, इसके ऑप्शन आ जाते हैं कट कॉपी डिलीट पेस्ट वगैरह, और जैसे जैसे आप इसको यूज़ करते रहेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस में किस टाइप से वर्क हो रहा है। और इसके अंदर हम और चेक कर पाएंगे एनिमेशंस वगैरह के भी होने चाहिए ऑप्शंस, यहाँ पर होम में गए इंसर्ट ड्रॉ डिज़ाइंस, हम थोड़ा सा इसमें एनिमेशन लगाते हैं। एनिमेशन और ट्रांजिशन दो चीज़ें होती है, ट्रांजिशन इज़ दैट कि आप पूरी की पूरी जो स्लाइड है उस पर क्या इफेक्ट डालना चाहते हैं, देखते हैं हम ट्रांजिशन इफेक्ट्स में अंदर। जैसे लाइक पूरी फर्स्ट स्लाइड हमारी इस टाइप से आएगी, ठीक है ट्रांजिशन इफेक्ट, और भी बहुत सारे वर्टिकुलर चाहिए हॉरिजॉन्टल चाहिए, इसमें भी साथ साथ प्रीव्यू नहीं दिखाएगा लगता है, उसको हम बाद में चेक कर लेंगे। नेक्स्ट इज द एनिमेशन, एनिमेशन इज़ पर्टिकुलर ऑन द टेक्स्ट और इमेज, ठीक है जैसे एंट्रेंस का इस टाइप से, ये देखिए यहाँ डायरेक्टली नहीं दिखा रहा है, अब इसको जब हम रन करेंगे तब शो करेगा, हम पहले इफेक्ट लगा कर देख लेते हैं। ये सारे वर्किंग नहीं है बिकॉज एज ए इमेज और टेक्स्ट दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो किस पर किस हिसाब से आपको इफेक्ट लगाना है वो डिपेंड करते हैं। ये देखिए मैं इस वाले में वाइप का देख लेते हैं लगा के, ठीक है या वन शो कर रहा है टू, यानी पहला इफेक्ट इसमें है सेकेंड इसमें है और सेकंड स्लाइड में कोई इफेक्ट नहीं अभी लगाया, ठीक है इसको हम क्या करते हैं अभी रन करके शो करते हैं। इसको किया, ये वाला होता है आपका क्लिक करके आपका प्रेजेंटेशन को रन कराएगा, जो हम कंप्यूटर में करते हैं उसमें F5 प्रेस करेंगे तो आपका वर्क करेगा। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं देखते हैं हमारा कैसा आ रहा है, ये देखिए फर्स्ट आपका स्क्रीन इस टाइप से आ गया, क्लिक करेंगे तो ये आपका फर्स्ट इफेक्ट इस टाइप से है। नेक्स्ट किया ये एंड नहीं, आई थिंक उसने फर्स्ट वाले को पिक ही नहीं किया है, हमें यहाँ से देखना था, दोबारा से देखते हैं हमारा शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई है इसमें, इस पर क्लिक किया ये देखिए आ गया इफेक्ट, फर्स्ट वो वर्टिकुलर में आया था, फिर ये इफेक्ट आया था, फिर आपका ये आया था और सेकंड में कोई इफेक्ट नहीं था, वो स्टार्टिंग शायद उसने सेकेंड से किया था इस टाइप। थर्ड आपके ब्लैंक है, कुछ भी वर्क नहीं किया था हमने, आप लिख सकते हो लास्ट में प्रेजेंटेड बाय, ठीक है या सबमिटेड टू जो भी है उसके अकॉर्डिंगली, तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। बनाने के बाद जो भी प्रेजेंटेशन आप बनाते हैं इसमें ऑप्शन होता है आप इसको सेव करें, सेव करने के लिए जैसे कि लाइक आप इसको एज ए PDF में करना है या जिस भी फॉर्मेट में करना है यहाँ पर शो कर देता है। हम चेक करते हैं अभी तो ऑलरेडी सेव तो ये होता ही है, सेव एज पे जाके इसके अलग अलग व्यू चेक करते हैं, जैसे लाइक मैं इसको ड्राइव में सेव कर लेती हूँ, इसने ऑप्शन नहीं पूछा, अटैचमेंट पिक्चर्स पावर पॉइंट में जाके सेव हो रही है, इसको हम चाह रहे थे कि PDF में कन्वर्ट करना, वो ऑप्शन शायद अलग होगा इसमें, उसमें एक्सपोर्ट वगैरह का होता है, कंप्यूटर में तो इजीली शो कर जाता है, इसमें शायद ढूंढना पड़ेगा, हो जाएगा वैसे कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप कोशिश करेंगे तो बहुत आराम से होगा। तो इस तरीके से आप प्रेजेंटेशन बनाइए, किसी भी अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करना है, किसी स्कूल से रिलेटेड कॉलेज से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो इसमें आप बहुत ही इजीली और इजी वे से बना सकते हो। किसी को कुछ समझाना है, कुछ आप पढ़ा रहे हैं
तो उसमें भी आप इसको स्टेप बाय स्टेप अपने नोट्स बना के उसको सेंड कर सकते हैं। तो बिना इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के पीपीटी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आप उसको किसी को भी किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि आप कुछ बोलने में हो सकता है कि पॉइंट भूल जाएं, बट ये प्रेजेंटेशन आपको अपने जो प्रोजेक्ट है या अपना कोई भी प्रोडक्ट है उसको एक्सप्लेन कर देता है। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और जितना हो सके इस वीडियो मेरी जितनी भी वीडियोस होती है उसको कंप्लीट देखें, बिकॉज कंप्लीट देखने से ही उसकी फुल नॉलेज मिलती है। थैंक यू अगेन।